इन जो उपचुनाव होने जा रहा है बूथ नंबर 86, 87 और 88 पे पहुंची है और लगभग 2 बज चुके हैं। तो आइए मतदाताओं से भी पूछते हैं और जो पुलिसकर्मी हैं जो किस तरह की जो माहौल बना हुआ है शांतिपूर्वक उनसे भी बातचीत करते हैं। तो सर वोट डाल दिया आपने? वोट डाला। जिम्मेदारी लेगी आपकी? हाँ, अपनी जिम्मेदारी। कौन सी पार्टी से? जेजेपी से। क्या माहौल चल रहा है अभी? बहुत बहुत बढ़िया है जी यहाँ पर। तो जेजेपी का एक तरफा है यहाँ पर। जेजेपी के तो कहा एक तरफा। हाँ, पार्टी के इसलिए कह रहे हो? नहीं, और सब बंदों से। अच्छा, अच्छा। पूछ बाकी शांतिपूर्वक चल रहा? बिल्कुल शांतिपूर्वक। भाईचारे में बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, धन्यवाद। बहुत हाँ जी, प्रोफेसर शमशेर जी जी, लगभग 2 बज चुके हैं और कुछ ही टाइम बचा है, तो क्या कहना चाहोगे, किस तरह का माहौल बना हुआ है पार्टी को लेकर के भी और भाईचारे को लेकर के? हमारे बूथ में 88 नंबर बूथ है हमारा, जिसमें 500 वोट डल चुकी हैं, 767 वोटें हैं और उसमें से कम 350 के करीब जेजेपी की दिग्विजय को गई है। सभी एक तरफा माहौल चला हुआ है पूरे यहाँ पे भी। किस तरह की उड़दंगबाजी नहीं, क्योंकि जो अफवाहों का जो बाजार गर्म था उसमें ये बातें निकल कर आ रही थी कि उड़दंग कुछ न कुछ नहीं, यहाँ कोई ना तो कोई उड़दंग हुई ना कोई भाईचारा सिलेक्शन चल रहा है बहुत और अच्छी मार्जिन से दिग्विजय सिंह चौराला जीत रहे हैं। धन्यवाद। कैसे हो? बिल्कुल ठीक है जी। क्या माहौल शांति को लेकर के किस तरह का माहौल बना हुआ है? बिल्कुल जी, यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, आराम से चुनाव कर रहे हैं, अपने पोलिंग कर रहे हैं और जा रहे हैं। बिल्कुल, किसी तरह कोई समस्या है तो नहीं? कोई तरह की समस्या नहीं है। चलो ठीक है, धन्यवाद सर। करने के लिए जा रहे हो? चलो बढ़िया है। तो इतने लेट क्यों हो गए? लगभग 2 बज गए। बस हमने सोचा थोड़ी छीड़ हो जाएगी। चलो बढ़िया। कैसे प्रत्याशी को मतदान देना चाहोगे? पार्टी का नाम नहीं पूछूंगा मैं, लेकिन कैसे को दोगे, क्योंकि आपके जो बूथ है इसके सामने की जो गली है ये भी टूटी फूटी पड़ी है। हाँ बिल्कुल, तो क्या प्रत्याशी को ही देंगे जो सर्वांगीण विकास करे। बिल्कुल, तो ऐसी कोई पार्टी लग रही है आपको? पार्टी तो लग रही है, चल रहा है काम। चलो बढ़िया, और आगे और नई पार्टी से और उम्मीद करेंगे। हाँ जी सर, बताना वाजिब नहीं, लेकिन फिर भी विकास जो लगता है जेजेपी ही लगती है, क्योंकि सारी पार्टियां जो है ना बिल्कुल यूज करके देख ली, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, यहाँ बीजेपी ने भी सारी सड़क पड़वाई गिर रखी है और इनेलो ने जो इसका काम करेगा, जो इसका आप विश्वास करे हमने। हाँ, हाँ। भाई ये जो हनिया जिंद का विकास कर सकता है, ये कहता हूँ ऐसी ऐसे व्यक्ति को वोट देना जो जिंदगी जो गलियां टूटी फूटी। हाँ, इनको जो बनवाई इनको जी डाले अभी वोट। हाँ जी, चलो बढ़िया है। किसने जिताया है? दुष्यंत दिग्विजय सिंह। अच्छा, चलो बढ़िया भाई साहब, ठीक है। राम राम जी। गिरे आए? हाँ जी, वोट आपने जिताया भाई, पार का दुपट्टा बिल्कुल जिता गया है जी, हाथ को बनावा जीत गए नु का जी, जीत का पलटा भारी है। ना जी, ना नहीं, बिल्कुल ये कहने की बात है। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है, झंडे लाग रहे हैं लेकिन उनकी वोट है नहीं, हल्के दूसरे हैं। अच्छा। वोट झंडे लाग रहे हैं वो। चलो बढ़िया बढ़िया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। आइए वोट कहने जाओगे? बोल हाँ जी, वोट डाल दिया आपने? नहीं, अभी डालने जा रहे हैं भैया। चलो बढ़िया, कैसे प्रत्याशी को मतदान दे? पार्टी का नाम नहीं पूछूंगा मैं, कंप्लीट पे डालूंगी। कंप्लीट पे डालूंगी खुल के? हाँ। अच्छा, चल क्यों ऐसा? क्योंकि भाजपा ने हमारी जीने पूछ लिया, 38 की मैं हो गई हूँ और अब तक कुछ नहीं हुआ है। 4 साल में जो कह रहे हैं कि भाजपा नहीं, भाजपा तो आज तक जीने बनी ही नहीं है। हाँ, तो हम नहीं चाहते कि वो बने। अच्छा, तो दिग्विजय को हरियाणा में भी कुछ नहीं है, हमारा जीन सबसे बैकवर्ड रह गया। मेरी शादी सोनीपत में हो रही है तो मुझे दुख होता है कि हमारा शहर इतना पीछे रह गया जी। तो इसलिए हम चाहते हैं कुछ ऐसा आए कि हमारे शहर में मेट्रो वेट्रो सब कुछ लेके आए जी, जी। और अच्छा करे। बिल्कुल, भाई साहब राम राम। राम सर, ठीक चल रहा माहौल? उड़दंगबाजी तो नहीं? कोई एकदम शांत माहौल है। अच्छा, बिल्कुल फ्रेश। तो कितना, क्या लगभग 2 बज गए तो क्या लग रहा है आपको, निमट जाएगा कार्य? हाँ जी, अब तक 50% हो चुका है। 50% हो गया। बिल्कुल, एक बार कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार अंदर की जो प्रक्रिया है सही चली हुई है। हाँ जी भाई साहब, ठीक चला हुआ? जमा सही, शांतिपूर्वक है? जमा शांतिपूर्वक। किसी तरह की कोई समस्या है? कितना जी? चलो बढ़िया। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है। कोई मतदान हो लिया? 60% हो चुका है अभी तक। अच्छा, शांतिपूर्वक है बिल्कुल। जो टाइम होता है उसके अनुसार सभी का हो जाएगा? सभी का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 5 बजे तक सभी का। कौन सी पार्टी का लग रहा है पलड़ा भाई? जेजेपी का। चलो देखिए। हाँ जी भाई साहब, क्या हाल है? बढ़िया बिल्कुल। तो जींद के विकास को लेकर के हम बात करें, आज भी गलियां टूटी फूटी हैं, सड़क अच्छे नहीं हैं, कहीं डेवलपमेंट नहीं दिखती, तो कैसे मतलब किस पार्टी को आपने, नाम नहीं पूछना चाहूंगा लेकिन कैसे प्रत्याशी को मतदान कर दिया आपने, जींद के विकास के बारे में सोचेगा? अब तो कोई भी आएगा उसको करना पड़ेगा, क्योंकि जनता जागरूक हो गई है। अब तो आप मतलब कोई भी आएगा उसको करना ही पड़ेगा, वरना उसके पास कोई चारा ही नहीं है। असली उस भाषा में कहना रहने भाषा में, आज किससे लगा सकते हैं, कौन सी ऐसी पार्टी कर सकती है? देखो मुझे तो अभी तो फिलहाल 2 ही पार्टी है, बीजेपी या कांग्रेस। बिल्कुल, तो उन दोनों में से ही है किसी के चांस करने का, बाकी तो अभी मुश्किल है, क्योंकि सेंटर का समर्थन जिसके पास ये वही कर पाए। बिल्कुल हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे जींद के चुनाव को लेकर के?
ताई वोट गिर आई भाई ये गाली के यहाँ गली नहीं बन रही है इतने दिन खड़े रहे हाँ। फिर भाजपा तो जाए को नहीं और किसने दोगे हम तो जो काम करवाओगा उसने जाएंगे नए बालक समाई नए बालक जाएंगे नया कौन दिख भी जाए हाँ उन्हें भी देखेंगे सारी पार्टी देख ली ना ये तो बेरबट्टे की है इसी तरह की कोई समस्या है चलो बढ़िया तो लगभग एक बार हाँ जी भाई साहब ठीक होता जी राम 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 भाई राम राम चल रहा माहौल बहुत बढ़िया इसी तरह की कोई समस्या है कोई समस्या नहीं आपको देख कर बहुत प्रसन्नता हुई चलो जी हमें बड़ी खुशी मिली हाँ जी भाई साहब राम 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 जी भाई साहब ठीक चल रहा माहौल बिल्कुल जी बढ़िया तो कितना क्या 1% वोट होली वो तो देख कर बताना मुझे फिलहाल अच्छा हाँ जी राम राम जी ठीक हाँ जी सर कितने परसेंट वोट हो चुके हैं सर 915 में से 493 वोट पड़ गए 915 में से 493 तो जो ये आंकड़ा जो आगे का जो बच्चा प्रोसीजर हो जाएगा समय के अनुसार हाँ हो जाएगा जी चलो बढ़िया किसी तरह की कोई समस्या नहीं कोई समस्या नहीं बिल्कुल आराम से चला हुआ है चाय पानी पी ली हाँ सब धन्यवाद ठीक है चल रहा प्रोग्राम बढ़िया कोई समस्या है नहीं चलो बढ़िया सर चाय पानी पीते रहे ना समय समय पे को किसी तरह की उठदंगबाजी तो नहीं जैसे उपचुनाव के बारे में कह रहे थे भाई ये होगा वो होगा नहीं कल रात को हमने ना तो यहाँ बिस्तरी मिले ना खाना मिला मिला नहीं नहीं मिला अब मिला है तो पानी अच्छा कोई नहीं मेरे घर पे आज शाम हमारे घर चले गए हाँ जी भाई साहब क्या हाल है भाई साहब बिल्कुल बढ़िया माहौल बना हुआ है 50% वोट तो हो चुकी हैं शांति प्रिय माहौल चल रहा है बिल्कुल अच्छी तरीके से पोलिंग हो रखी है कोई इतनी भागदौड़ कह रहे थे बोले ये होगा नहीं अफवाहें तो काम बिगाड़ती है बनाती नहीं है ठीक है ना तो अफवाह की तरफ ध्यान ना देते हुए अपनी अच्छी तरह से वोटिंग चल रही है बढ़िया तरीके से सारा जहां भी हम सुन रहे हैं शांति प्रिय तो अभी बताता नहीं रहे क्या बात है खाली ये रूम क्या बात है एक दो ही दिखाई दे रहे हैं जी सभी ठीक हो वोट बहुत हो चुकी है अच्छा मतलब किसी तरह की कोई समस्या इन भीड़ वाला तो काम ही नहीं समस्या नहीं जी बिल्कुल स्मूथ चल रहा है और परसेंटेज भी 500 के आसपास अच्छी चल रही है जी 817 में हां जी चलो बढ़िया जी एग्जैक्ट जितना आंकड़ा है हां जी भाई साहब कितने परसेंटेज वोट हो चुकी हैं यहां जी सर यहां पर 1 पीएम तक अच्छा अच्छा हां जी भाई साहब 481 होले कितनी बची हुई है बची 817 टोटल 817 तो हो जाएंगी उस समय के अनुसार कुछ कितनी होती नहीं हो जाएंगी अच्छा चलो बढ़िया बाकी ठीक चल रहा जी पूरा मैं चाह भी लिया करना है ठीक चल रहा बिल्कुल सही कोई समस्या तो नहीं किसी तरह की कोई समस्या नहीं चलो बढ़िया जी देखिए पुख्ता मतलब कितनी शांतिपूर्वक माहौल बना हुआ है हर प्रक्रिया की हर जिसकी भी जो औपचारिकताएं हैं जो जिम्मेदारी है अपनी जिम्मेदारी को निभा